फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति एजुकेशनल सेंटर। दिस इज ज्योति। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नाउन केसेस के बारे में बताया था। मैंने थ्री टाइप्स के केसेस आपको प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा दिए थे, वोकेटिव केस, नॉमिनेटिव केस एंड सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। आज की वीडियो में मैं आपका लास्ट केस, फोर्थ केस, पजेसिव केस के बारे में बताऊंगी, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट पजेसिव केस। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट और एनी वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट पजेसिव केस। पजेसिव केस के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है, इट डिनोट्स पजेशन और ओनरशिप। जैसे कि यह पेन मेरा है, यह मेरा पेन है, यह उसका है, ये इसका है, जिसमें कि पजेशन या ओनरशिप शो करता है। आपको पता चल रहा है पजेसिव, किसी का किसी चीज से लिंक होना, इसको हम बोलते हैं पजेसिव केस। अब इसको कैसे यूज करते हैं और उसके बहुत सारे रूल्स हैं, प्लस अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसके अंदर केस है पजेसिव केस, पहले भी मैंने आपको बताया था। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसके साथ ही पजेसिव केस खत्म होने के बाद मैं आपको इससे रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाऊंगी, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ भी नहीं है, छोटी सी चीज है, आप यहाँ एग्जाम्पल से देखिए। देखिए, अभी हम पहले लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। लिविंग थिंग्स में हम या तो अपोस्ट्रॉफी एस यूज करते हैं या फिर हम यूज करते हैं केवल अपोस्ट्रॉफी। अब कब हम अपोस्ट्रॉफी एस यूज करते हैं, कब हम अपोस्ट्रॉफी केवल मतलब एस का यूज नहीं करते, ये मैंने यहाँ पर बहुत सारे रूल्स लिख रखे हैं। आगे भी और भी रूल्स आपको बताऊंगी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा लिविंग थिंग्स के साथ। ये वाला जो साइन है ना, इसको हम बोलते हैं अपोस्ट्रॉफी। ठीक है, तो ये हो गया अपोस्ट्रॉफी साइन एस और ये हो गया अपोस्ट्रॉफी। ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम इन दोनों में से कोई भी यूज नहीं करते, यानी अपोस्ट्रॉफी साइन का यूज ही नहीं होता, केवल आता है ऑफ। देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल, सोहन्स पेन हैज बीन लॉस्ट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने सोहन के साथ अपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया तो ये हो गया सोहन का पेन, यानी सोहन का पेन इससे लिंक करने के लिए हमने लगा दिया, ये सोहन का पेन है, इसकी इस पेन पर ओनरशिप हो गई, पजेसिवनेस आ गई। ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं पजेसिव केस, जब हमें किसी की चीज को उससे लिंक करना होता है कि ये इसका है या उसका है। ठीक है, द काउस टेल इज वेरी लॉन्ग, इस तरह से हम यूज करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ एक और सेंटेंस लिखा है, द कार्स व्हील इज पंचर्ड। अब मैं इसको कह रही हूं ये सेंटेंस गलत है, लेकिन क्यों, सही तो है, मैंने ये तो लिखा है अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर मैंने नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी यूज किया है, वह अपोस्ट्रॉफी का एस नहीं होता, यानी कि हम कार के व्हील, कार क्या है, नॉन लिविंग थिंग, और उसके व्हील की बात कर रहे हैं, यानी कि हम नॉन लिविंग थिंग की कोई पजेसिवनेस चीज बता रहे हैं, तो उसके लिए हम कभी भी अपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करेंगे। इसके लिए हम यहां पर लिख देंगे द व्हील ऑफ द कार, हम किसका यूज करेंगे, ऑफ का, यानी इसकी पजेसिवनेस शुरू करेगा ऑफ, ऑफ से हम लिंक करेंगे कार का पहिया, कार का व्हील। ठीक है, ऐसे करके हम नहीं यूज करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स में। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका ओवरव्यू, मैंने आपको दे दिया। अब वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम रूल्स पर चलते हैं, इसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, रूल नंबर वन क्या कहता है, ये सारे रूल्स लिविंग थिंग्स के लिए ही, क्योंकि नॉन लिविंग का बस यही चीज है, हम इसमें ऑफ यूज करते हैं जब भी हम नॉन लिविंग थिंग्स की किसी चीजों से उसकी पजेसिवनेस या ओनरशिप को शो करते हैं। रूल नंबर वन आपका क्या कहता है, रूल नंबर वन आपका कहता है अगर आपका नाउन सिंगुलर है, ठीक है, जिससे हम लिंक कर रहे हैं, जो पजेसिवनेस उसकी शो कर रहा है, तो हम यूज करते हैं अपोस्ट्रॉफी एस का। जैसे मैंने ऊपर का एग्जांपल ही यहाँ पर लिख दिया है, सोहन्स पेन हैज बीन लॉस्ट, इसमें सोहन का क्या यूज हो रहा है, पजेशन यूज हो रहा है, सोहन का पजेशन यूज हो रहा है, इस पेन पर उसका पजेशन, उसकी ओनरशिप यूज हो रही है कि यह सोहन का पेन है जो खो गया है। ठीक है, अच्छा एक और, रियाज हस्बैंड इज अ टीचर, रिया के हस्बैंड के, रिया के हस्बैंड, यानी रिया का पजेशन किस पर है, उसके हस्बैंड पर, तो हमने क्या यूज कर दिया यहाँ, अपोस्ट्रॉफी एस, रिया के हस्बैंड ए टीचर है।
अच्छा, लेकिन कैसे हम यूज करेंगे अगर यही प्लूरल हो? इफ नाउन इज प्लूरल देन वी विल ओमिट एस, हम एस को हटा देंगे, केवल यूज करेंगे एपोस्ट्रोफी सन। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, बॉयज बुक, ये देखिए यहाँ पर मैंने अपोस्ट्रोफी एस दोबारा नहीं लगाया। इसका रीजन क्या है? ज्यादातर जो प्लूरल होते हैं वो एस ऑलरेडी फिनिश होते हैं, बॉयज, गर्ल्स, कार्स, कुछ भी आप ले लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है, टीचर्स, फ्रेंड का क्या बन जाता है, फ्रेंड्स। तो एक और एस हम यहाँ नहीं लगाते, एस रिपीट हो जाएगा। केवल एपोस्ट्रोफी से हमें इसका पजेशन समझ आ जाता है कि बॉयज का पजेशन बुक पर है, यानी जितने भी बॉयज हैं उनकी क्या है, बुक, ठीक है। तो आप यहाँ एस मत लगाइए। ऐसी गर्ल्स का हॉस्टल में कहना है, ये गर्ल्स का हॉस्टल है, दिस इज गर्ल्स हॉस्टल, तो उसको कैसे लिखेंगे? यहां पर आप एस मत लगाइए क्योंकि ऑलरेडी गर्ल्स जो नाउन है उसमें एस आ गया, ये इसका मीनिंग ये है। अच्छा, ऐसी चिल्ड्रन लाइब्रेरी, बिल्कुल सही है, और वुमेन क्लब, लेकिन नहीं, इसमें मिस है, मैं बोल रही हूँ। लेकिन मैम आपने तो कहा था कि प्लूरल में एस नहीं लगाते, लेकिन मैंने ये भी कहा था प्लूरल में इसका रीजन क्या है, एस क्यों नहीं लगाते, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एस होता है। लेकिन कुछ हमारे प्लूरल ऐसे होते हैं जो अपने साथ एस का यूज नहीं करते हैं, जैसे चिल्ड्रन, चाइल्ड से क्या बन गया, चिल्ड्रन, इसमें एस का यूज नहीं हो रहा, तो हम इसमें ऐसे लिख देंगे चिल्ड्रंस लाइब्रेरी। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन इंग्लिश ग्रामर। वुमेन, 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 वुमेन्स नहीं होता ना, एस का यूज नहीं, तो इसलिए यहां पर हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, जबकि ये प्लूरल है और आपका रूल ही यही है, प्लूरल के साथ हम केवल एपोस्ट्रोफी साइन यूज करते हैं, एस नहीं लगाते। लेकिन अगर उसमें प्लूरल बनना है और एस नहीं है लास्ट में, तो हम यूज कर सकते हैं एस का, मतलब सिंगुलर वाला रूल ही फॉलो होता है। मैन, मैन भी MEN होता है, उसमें भी मैंस क्लब, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड रूल क्या कहता है, हिसिंग साउंड, अगर बहुत सारी हिसिंग साउंड आ रही है एस की, ऐसे जैसे स्नेक की कैसे होती है, ऐसी करता है स्नेक, तो उसमें भी हम केवल इसका ही यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते, क्योंकि हम बोल नहीं पाएंगे उसके, हमारे बोलने के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, इसलिए हम अवॉइड करते हैं एस का दो बार यूज। कैसे? फॉर गुडनेस सेक, ठीक है, फॉर जस्टिस सेक। अब इसमें तो ऑलरेडी दो बार एस आ गए, तो हम कैसे बोलेंगे गुडनेस सेक अगर हम एपोस्ट्रोफी के आगे एस लगा देंगे, तो ये हम बोलने में कंफर्टेबल नहीं हो रहे, तो यहां पर हम एस नहीं लगाते हैं। जहां पर बहुत सारे एसिंग साउंड आती है केवल एपोस्ट्रोफी लगा के सुन लेते हैं, छोड़ देते हैं, और इससे ही एपोस्ट्रोफी से इसका पजेशन शो हो जाता है। जैसे आपके एग्जाम में आए फॉर गुडनेस सेक यूज पजेसिव केस इन गुडनेस एंड सेक, तो आप केवल गुडनेस के आगे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे, केवल एपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ दोगे, ठीक है। फॉर जस्टिस सेक, ऐसी जस्टिस में जस्टिस एस नहीं लग रहा, लेकिन साउंड हिजिंग आ रही है जस्टिस, तो एपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ देंगे। रूल नंबर फोर क्या कहता है, जहां कंपाउंड नाउन होते हैं, कंपाउंड नाउन ऐसे होता है, जैसे होते ना सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, एक से ज्यादा नाउन एक साथ आते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन, ठीक है। अगर यूज होता है तो हम एपोस्ट्रोफी एस कहां लगाएंगे, लेकिन मदर में लगाएंगे, मदर इन लॉ में या लॉज में, ये कंफ्यूजन है, और दो एपोस्ट्रोफी एस एक साथ हम लगाते नहीं है, ठीक है, मतलब एक ही कंपाउंड नाउन में दो अपोस्ट्रोफी एस रहेंगे, तो हम किस में लगाएंगे, हम लास्ट वर्ड में लगाएंगे, कंपाउंड नाउन है तो लास्ट वाले नाउन में हम लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा, दिस इज माई सिस्टर इन लॉज हाउस, तो मैंने सिस्टर इन लॉज जो है एस यहाँ पर लगाया है, ना कि यहाँ पर लगाया है, अगर मैं एस यहाँ पर लगा दूंगी तो ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर नहीं लगाऊंगी, मैंने क्या लिखा है लास्ट वाले वर्ड में लगाते हैं सिस्टर इन लॉज, तो सिस्टर और लास्ट वाला वर्ड लॉज, ठीक है। ऐसी मदर इन लॉज, फादर इन लॉज, डॉटर इन लॉज, सन इन लॉज, ठीक है, सन्स इन लॉ रॉन्ग, फादर्स इन लॉ रॉन्ग, कहां लगेगा एपोस्ट्रोफी एस लॉज में, लास्ट वाले में। इसी तरह से और भी एग्जांपल हो सकता है, केवल लॉज वाली एग्जांपल नहीं है, नोटरी पब्लिक सिग्नेचर, नोटरी के पब्लिक के सिग्नेचर, तो इसमें भी हम पब्लिक और सिग्नेचर को हमें पजेशन शो करना है ना पब्लिक का, तो नोटरीज पब्लिक सिग्नेचर रॉन्ग हो जाएगा, दो एपोस्ट्रोफी आते नहीं है, और नोटरीज पब्लिक सिग्नेचर भी रॉन्ग हो जाएगा,
क्या होगा सेकंड वाली नाउन में नोटरी पब्लिक सिग्नेचर, इससे ये पूरा लिंक हो जाएगा, पूरा समझ आ जाएगा। इसी तरह से एडिटर इन चीफ्स ऑफिस, एडिटर इन चीफ एक क्या है ये कंपाउंड नाउन, एडिटर इन चीफ जैसे मदर इन लॉ फादर इन लॉ ये सब होता है ना ऐसी, तो चीफ्स में लगा इसमें, एडिटर्स में नहीं लगा क्योंकि सेकंड वर्ड के साथ, सेकंड वाले लास्ट वर्ड के साथ हम लगाते हैं कंपाउंड नाउन का ये यूज है। नेक्स्ट रूल नंबर 5, व्हेन टू और मोर नाउन्स पजेसेस सेम थिंग देन एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद द लास्ट नाउन। इसका मतलब क्या है ये मैं एग्जांपल से डायरेक्ट समझाती हूँ। रिया एंड आर्यन्स स्कूल इज वेरी फार, इसमें आप देख रहे होंगे रिया और आर्यन दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, या रिया के साथ भी हम लगा सकते हैं, आर्यन के साथ ना लगाएं। इसका मतलब क्या है देखिए, दोनों सेम स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन अलग अलग नाउन है, लोग अलग अलग है, यानी कि इसका मतलब हो गया जब दो या उससे ज्यादा नाउन क्या करते हैं एक ही चीज पर पजेशन शो करते हैं कि ये मेरा है, दोनों ही शेयर करते हैं, तो हम लास्ट वाले नाउन में केवल अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, दोनों में नहीं लगाते। जैसे कि देखिए दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, अब दोनों कहते हैं रिया और हमें किसी से बोलना और आर्यन का स्कूल बहुत दूर है यहां से, तो रिया एंड आर्यन्स स्कूल, ना कि रिया एंड आर्यन्स, तो आपका गलत हो जाएगा। केवल एक ही दो नाउन, तो ये इसका मतलब हो गया ये दो नाउन हो गए और स्कूल पर अपना पजेशन शो कर रहे हैं, ये दोनों नाउन का स्कूल पर पजेशन शो करना है, तो लास्ट वाले नाउन में जो भी हो अपोस्ट्रोफी एस लिखा जाएगा अगर सेम चीज के लिए पजेशन, मतलब स्कूल एक ही है लेकिन उसके लिए यूज दो लोग कर रहे हैं, दो लोगों का पजेशन शो हो रहा है, चीज एक ही है जिस पर पजेशन शो हो रहा है वो एक है लेकिन उससे उस पर पजेशन शो करने वाले ज्यादा लोग हैं, तो हम लास्ट वाला जो नाउन होगा नेम होगा उसमें ही अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 6 क्या कहता है, ये इसका ऑपोजिट है, ये दोनों ऑपोजिट है, देखिए ये क्या कहता है, जब दो या उससे ज्यादा नाउन सेपरेट पजेशन शो करते हैं, मतलब नाउन भी दो हैं अलग अलग और उनकी चीजें भी अलग अलग है, केवल एक चीज नहीं है, तो हम दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। एग्जाम्पल से समझिए, ये दोनों आपको कंफ्यूजन होंगे, देखिए बहुत ध्यान से समझिए, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। मोहन्स एंड सोहन स्लेट्स आर वेरी कॉस्टली, मोहन और सोहन दोनों की ही स्लेट बहुत कॉस्टली है, तो स्लेट्स क्या है यहाँ पर, उन दोनों के पास अलग अलग होंगी ना, एक नहीं, इसलिए हमें मोहन के साथ भी लगाना पड़ा अपोस्ट्रोफी एस और सोहन के साथ भी लगाना पड़ा, ठीक है, दोनों नाउन अलग है और दोनों के पास चीज भी अलग अलग है, ठीक है, तो हम दोनों के साथ लगाते हैं, वो सेपरेट सेपरेट पोजीशन शो कर रहे हैं। इसमें क्या था, दोनों का स्कूल तो एक ही था तो इसका और उसका स्कूल दूर है ये हमने कह दिया, और इसमें मोहन और सोहन की प्लेस बहुत कॉस्टली है, दोनों के पास अलग अलग स्लेट्स हैं, दोनों ही अपना सेपरेट पोजीशन शो कर रहे हैं, यानी अलग अलग चीजों पे अलग अलग पोजीशन शो कर रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर। अब रूल नंबर 7 पे आ जाइए, देखिए इसको समझाने के लिए मैं एक और चीज भी बोलती हूँ, ठीक है, जैसे आप का स्कूल हो गया है ना, आप देखिए इसकी जगह लीजिए, अगर यह होम होता, दो लोग अलग अलग जगह रहते हैं, अगर यह हाउस होता, रिया एंड आर्यन्स हाउस इज वेरी फार, तो हम दोनों में लगाते हैं क्योंकि रिया का अपने घर अलग है और रोहन का घर या आर्यन का घर अलग है, समझ आ गई बात, दो नाउन है और दोनों के अलग अलग पजेशन शो कर रहे हैं तब दोनों में लगेगा, लेकिन दो नाउन है लेकिन बात एक ही चीज की कर रहे हैं, दोनों का सेम चीज पर हक है उसका, तो क्या लगेगा, एक ही लगेगा। जैसे स्कूल हो गया, स्कूल पब्लिक प्लेस होती है जहां पर बहुत सारे चिल्ड्रन पढ़ते हैं, ठीक है, इस तरह से आप समझिए। रूल नंबर 7, पजेसिव केसेस यूज विद द नेम ऑफ अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके साथ हम ऑफ का यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का नहीं, लेकिन हम किसी जब नॉन लिविंग थिंग्स को हम एज अ ह्यूमन बीइंग, उसकी इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ जाती है, उसे एज अ ह्यूमन बीइंग हम ट्रीट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या पर्सोनिफिकेशन करना, मानवीकरण जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है लेकिन उसको हमने एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया है जब किसी चीज को, तो वहां पर हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, जैसे कि नेचर्स लॉ, फॉर्च्यून्स फेवरेट, ड्यूटीज कॉल, देखिए नेचर्स लॉ,
आप प्रकृति को भी हम क्या मानते हैं, माँ मानते हैं, ठीक है, प्रकृति को हम एक ह्यूमन बींग माँ मानते हैं कि माँ, तो उसका लॉ, इसलिए हमने एस लगाया है। फॉर्च्यून्स फेवरेट, फॉर्च्यून फेवरेट मतलब होता है किस्मत का धनी, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। ड्यूटीज कॉल, डैश का डोर, हम मतलब बहुत ही बड़ा चढ़ा के वो किसी के बारे में बात करते हैं, नॉन लिविंग थिंग जो कि ह्यूमन बींग नहीं है लेकिन बहुत बड़ा चढ़ा के हम बात कर रहे हैं, तो उसको वहां पर हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे डेथ का डोर, मौत का दरवाजा, ये मौत का दरवाजा सबके लिए खुला रहता है, कभी भी आ सकती है मौत। तो क्या होगी, मौत, डेथ एक ह्यूमन बींग नहीं है लेकिन हमने उसको किस तरह से ना मौत का दरवाजा, एक ह्यूमन बींग की तरह उसको ट्रीट किया बहुत। वैसे इंडिया हीरो, जैसे इंडिया के हीरो भारत को अपनी माँ मानते हैं हम लोग, ठीक है, इंडिया जो अर्थ है उसको अपनी माँ मानते हैं, इंडिया को हम अपनी माँ मानते हैं जो इंडिया है, तो उसके हीरोज, तो उसको भी हमें पर्सोनिफाई कर दिया, ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया, तो वहां पर भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। नेचर स्लो, जैसे आप बहुत सारी पब्लिक प्लेस पर बैठे हैं और आपको वॉशरूम जाना है, तो मत कहिए कि आई हैव टू गो टू वॉशरूम, क्या कहिए, आई हैव टू अटेंड नेचर स्लो, तो ये बहुत ही अच्छा आपको इंप्रेशन देगा। तो मतलब आप ग्रामर को बहुत अच्छे से आप जानते हैं, इंग्लिश को, ग्रामर को, ठीक है, तो अब से आप ऐसे ही बोलना है आपको। रूल नंबर 8 पर हम चलते हैं, पजेसिव केसेस यूज विद द नेम्स ऑफ टाइम स्पेस और वेट। टाइम स्पेस और वेट के साथ कैसे हम पजेसिव केस को यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफीज देखिए, जैसे टाइम के साथ पहले देखिए, वन डेज लीव, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, आई वॉन्ट वन डेज लीव, एट वीक्स एंड, ये काम वीक के एंड तक हो जाना चाहिए, द वर्क शुड बी कंप्लीटेड एट वीक्स एंड, इस टाइप से हम यूज करते हैं। मंथ्स हॉलीडे, इसी तरह से स्पेस, स्पेस में देखिए, जैसे आप स्टोन्स थ्रो, पत्थर बराबर, देखिए जैसे मैं इसको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरा घर वहां पर है, तो मैं कहूंगी मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, इतना मैं एक पत्थर मारूंगी और मेरा घर आ जाएगा, तो माय हाउस इज एट स्टोन्स थ्रो, मतलब बहुत ही पास है, वहीं पर, यहीं पर है, इस टाइप से हम स्टोन्स थ्रो ऐसे हम यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी एस का। या फिर हेयर्स ब्रेथ, मतलब एक बाल, बाल में जो स्पेस होता है एक दूसरे बाल में नहीं होता, तो किसी को हम कंपेयर करने, मतलब बाल बराबर भी स्पेस नहीं है, इतना पास पास है, बोलो बाल बराबर भी स्पेस नहीं है, इतना पास पास है कोई चीज, जैसे बाल बराबर है, तो हम ऐसे यूज करते हैं। फुट लेंथ, ठीक है, वेट, वेट मतलब पाउंड वेट, क्लोज वेट, इसमें भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। रूल नंबर 9 क्या कहता है, लास्ट रूल, डबल पजेसिव केस इज नॉट यूज। क्या होता है डबल पजेसिव केस, देखिए अब मुझे किसी बात करनी है, मोहन के भाई का घर बहुत दूर है, तो ये डबल पजेसिव केस लग गया, मोहन्स ब्रदर्स हाउस, ये रॉन्ग है, डबल पजेसिव केस हम कभी भी यूज नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या करेंगे, जो लास्ट वाला नाउन है, जो लास्ट वाला नाउन है उसमें हम ऑफ लगा देंगे, तो क्या लिखेंगे, द हाउस ऑफ, और बाकी एज इट इज आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा, द हाउस ऑफ मोहन्स ब्रदर इज वेरी फार, ठीक है, डबल पजेसिव केस हम यूज नहीं कर सकते कि हम कहते हैं मोहन्स ब्रदर्स हाउस, ये ऐसे नहीं, लास्ट वाले के आगे हम ऑफ लगा देते हैं, तीन नाउन है मोहन्स ब्रदर, अब क्या बन गया, ये मोहन के भाई का घर, ऐसे। अच्छा इसी तरह से अब ये आप खुद लोग खुद करिए, अशोक पेंसिल्स कलर इज रेड, तो ऐसे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, द कलर ऑफ, द कलर ऑफ, यानी ये रॉन्ग है और ये वाला राइट, ऐसी द कलर ऑफ अशोक पेंसिल, द कलर ऑफ अशोक पेंसिल इज रेड, अशोक की पेंसिल का कलर क्या है, रेड, इस तरह से हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ रूल्स बताए हैं, अब उन्हीं बेसिस पर मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, सबसे पहले पॉज माय वीडियो, राइट डाउन दीन सेंटेंसेस एंड करेक्ट देम बाय योरसेल्फ, खुद ही करेक्ट कीजिए पहले, तभी आपको समझ आएगा, मैं अब यहाँ पर आंसर बता रही हूँ, मैच कीजिए आपको कितने सही है कितने गलत, खुद के टीचर खुद बनिए, खुद ही मार्क दीजिए, आपको जो भी समझ नहीं आ रहा, जो गलत लिख रहा है वो यहाँ पर देखिए, मैंने इसका क्या रीजन बताया है, मेरी वीडियो में शुरू से देखिए, कौन से टॉपिक, हर टॉपिक का एक सेंटेंस है, कौन से रूल से ये बिलोंग करता है, उस रूल को दोबारा पढ़िए, ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस एक्सरसाइज अगर आप डायरेक्ट मुझसे देख के कर लेंगे तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए स्टूडेंट्स पहले खुद आप
ट्राई कीजिए फिर मुझे देखिए। तो रेडी, आर यू रेडी फॉर चेकिंग? ओके मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अवर रूम्स रूफ लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन, सही है? क्या गलत है इसमें? नॉन लिविंग के था साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी यूज नहीं होगा, मैंने बताया था। तो उसमें क्या आएगा? अवर रूफ, रूफ ऑफ अवर रूम, द रूफ ऑफ अवर रूम, रूम्स की रूफ नहीं, रूफ ऑफ अवर रूम मतलब हमारे कमरे की छत, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। आपको पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में जब पजेसिव केस स्टार्ट किया था। अब माय डॉटर्स इन लॉ हाउस इज वेरी फार, अब आप फिर उस वाले रूल में जाइए जब कंपाउंड नाउन होते हैं तो हम लास्ट वाले वर्ड के साथ लगाते हैं अपोस्ट्रोफी, तो ये भी गलत है। इसकी जगह क्या हो जाएगा? माय डॉटर इन लॉ हाउस इज वेरी फार। नेक्स्ट, ऑल प्रेज हरीश सिस्टर्स पिक्चर। देखिए ये अभी अभी मैंने बताया था डबल पजेसिव केस, सभी हरी के सिस्टर की पिक्चर, ऐसा नहीं होता जैसे मैंने अशोक को बताया था अशोक की पेंसिल का कलर, ठीक है? तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? द पिक्चर्स ऑफ हरी सिस्टर, डबल पजेसिव केस वाले रूम में देखिए हरी की सिस्टर की पिक्चर, अब ये सही है। मोहन्स, ओके ओके ओके, ये वाला रह गया ना, ठीक है मैं इसको बताती हूँ। हैव यू सीन टैगोर्स द पोएट्स पेंटिंग? देखिए इसमें भी हम डबल बार एस का यूज नहीं करेंगे। देखिए जब भी ये क्या हो गया, ये एक्चुअली वाला जो सेंटेंस है ना, ये केस इन अपोजिशन है। केस इन अपोजिशन क्या होता है? हम एक ही व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, एक ही नाउन के बारे में बात करते हैं, बहुत ही बड़ा मतलब और डिस्क्रिप्शन देते हैं एक ही नाउन का उसी फ्रेज में, एक ही फ्रेज के अंदर। कैसे? क्या तुमने टैगोर जो कि पोइट है उनकी पेंटिंग्स देख रखी है? टैगोर जो कि पोइट है उनकी पेंटिंग्स देख रखी है, तो यहां हम बात कर रहे हैं केवल टैगोर की, जो कि और हमने क्या बताया टैगोर के बारे में, थोड़ा सा उसको डिस्क्रिप्शन और दे दिया। टैगोर कौन है? एक पोइट, और पोइट उन मतलब वो जो पोइट है टैगोर उनकी भी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पेंटिंग की। यानी जैसे कि मैं बोलूं, मैं कौन हूं? ज्योति, ज्योति टीचर्स, मेरा जैसे मेरा पर्स खो गया है तो आप क्या कहोगे? ज्योति टीचर्स पर्स हैज बीन लॉस्ट, ज्योति जो कि एक टीचर है उसका पर्स खो गया, ठीक है? ऐसे हम यूज करते हैं। तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? हैव यू सीन टैगोर बस कॉमा द पोएट्स पेंटिंग्स, ऐसे यूज करेंगे हम। हैव यू सीन टैगोर द पोएट्स पेंटिंग्स, ठीक है? तो दो दो बार एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे जब सेम ही नाउन का थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करते हैं और उसका किसी चीज पर पजेशन शो करते हैं। तो जो हमने डिस्क्राइब किया होता है उसके बारे में कि वो कौन है, उसी के साथ एपोस्ट्रोफी एस हम यूज करते हैं। इस केस को हम बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। मोहन्स एंड सोहन्स टीचर डिड नॉट कम यस्टरडे, तो मैंने आपको क्या बताया था? जब दो या उससे ज्यादा नाउन सेम थिंग पजेस करते हैं तो हम लास्ट नाउन के साथ ही अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। अब देखिए टीचर दोनों का सेम है तो क्या है, यहां से हम अपोस्ट्रोफी एस हटा देंगे। मोहन्स एंड सोहन्स टीचर, मोहन एंड सोहन्स टीचर, आप देखिए इसका अपोजिट आने वाला है शेलीज एंड वर्डवर्थ पोएम्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए मैंने केवल इसमें लगाया अपोस्ट्रोफी एस, लेकिन ये वाला सेंटेंस गलत है, हम यहां पे लगाएंगे। जो दोनों ने पोइम्स लिखी है वो अलग अलग है, शैली एक अलग पोइट हो गया और वर्ड्सवर्थ एक अलग पोइट हो गया, तो दोनों की जो पोइम्स है बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मुझे दोनों में अपोस्ट्रोफी एस यूज करना पड़ेगा। तो गाइस कैसा लगा मेरा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। एंड विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट।